अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजभवन। यहां पर एक सम्मान समारोह चल रहा है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। माननीय न्याय मंत्री जी को पुष्प कलिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनको सम्मानित करने हेतु मंच पर पधारने का कृपा करें। श्री आशीषकर महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुरोध है कि वह माननीय न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पुष्प कलिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान करने हेतु मंच पर पधारने की कृपा करें। श्री पंकज सिंह वरिष्ठ निबंधक इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ से अनुरोध है कि वह न्यायमूर्ति माननीय श्री ऋतुराज अवस्थी वरिष्ठ न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ को पुष्प कलिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान करने हेतु मंच पर पधार लें। श्री सुदीप कुमार जायसवाल सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ को पुष्प कलिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान करने की कृपा करें। श्री ब्रजेश वाजपेयी से अनुरोध है कि इस पुनीत अवसर पर नालसा के थीम सॉन्ग को प्रारंभ करने का कष्ट करें।
ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट आनंदी बहन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट योगी आदित्यनाथ जी, लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी, मेरे भ्राता श्री ऋतुराज अवस्थी जी, रमेश सिन्हा जी, सालसा के मेंबर सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी एंड नालसा के मेंबर सेक्रेटरी अशोक जैन साहब, माय एस्टीम्ड सिस्टर एंड ब्रदर जजेस, मेंबर ऑफ जुडिशियल फ्रेटर्निटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, द मीडिया, नालसा और सालसा के कार्यक्रम के लिए बहुत विस्तार से पूर्व वक्त के वक्ताओं ने बताया और मेरा ये मानना है कि किसी राज्य की प्रगति विकास में एक बहुत बड़ा सहयोग किसी एक व्यवस्था का हो सकता है तो वो है न्यायिक व्यवस्था। जुडिशियल सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो कोई विघ्न किसी राज्य की प्रगति में नहीं आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस यू ललित ने अभी जब वो चेयरमैन बने तो आते ही उन्होंने सब लोगों की मीटिंग ली एंड दैट वाज एट ऑल इंडिया लेवल। उनका मानना था कि बहुत ज्यादा पेंडेंसी अगर मुकदमों की रहती है तो वह आहत करती है लिटिगेंट्स को, वह आहत करती है किसी भी राज्य या देश के विकास को। तो आवश्यकता यह है कि उन मुकदमों का निस्तारण इस ढंग से किया जाए कि उसका फर्दर लिटिगेशन नहीं आए और वो हो सकता है लोक अदालत के जरिए एक एमिकेबल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और उससे अधिक कोई बात हो नहीं सकती कि अगर दोनों पक्ष किसी वाद में बिना जीत हार के संतुष्ट होके जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब मीटिंग करी और ये कहा कि हर राज्य को अपना बैन देना होगा तो हमने, और विशेष रूप से मैं कहूंगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी और मैंने कहा हमको सहयोग चाहिएगा इस कार्य में और हम चाहते हैं कि यूपी अपना स्थान बनाए जो अभी तक नहीं था। टारगेट हमने किया था दैट वी शुड गेट अराउंड 5 लाख केसेस सेटल्ड थ्रू द लोक अदालत और उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा ये टारगेट तो होना ही है पूरा, हमको चाहिए इससे ज्यादा केसेस का मुकदमे का निस्तारण हो और ना केवल जुडिशियल वर्क में जितने केसेस पेंडिंग हैं, जुडिशियल कोर्ट्स में जितने केसेस पेंडिंग हैं उसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि रेवेन्यू केसेस भी सेटल हो जिससे कि लोगों को संतुष्टि हो। लोग बहुत आहत होते हैं जब उनके विवाद न्यायालय में रह जाते हैं और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक पहली बार हुआ है कि जो पेंडेंसी थी कोर्ट्स में उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मुकदमों में लोक अदालत की भावना से समझौता किया गया जिसका टारगेट, अगर वो फिगर अलग से नहीं आया बिकॉज जो फिगर हमने दिया है वो केवल कोर्ट्स की पेंडेंसी का था एंड सभी के सम्मिलित प्रयास से और विशेष तौर से मैं यह कहना चाहूंगा सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अधिक रहा और सबसे अधिक सहयोग रहा हमारे प्रातागढ़ का। राज्य के 75 डिस्ट्रिक्ट और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस उन डिस्ट्रिक्ट में न्याय व्यवस्था को देखते हैं, कार्य को देखते हैं। हमने उनसे निवेदन किया कि वो अपने जिले में कोशिश करें कि अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण हो, समझौता हो और उनका ये प्रयास था कि हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया, यूपी स्टूड नंबर 1 पहला स्थान प्राप्त किया और हमारा ये ध्येय है कि अगले लोक अदालत में भी हम अपना स्थान मेंटेन करें, अपने राज्य का स्थान मेंटेन करें। मैं अपने सभी भ्रातागण को साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका सहयोग रहा। जब मेरे को यू ललित साहब ने फोन किया नेक्स्ट डे और इस चीज की बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान, क्योंकि पूरे देश में 22 लाख मुकदमों का निस्तारण हुआ
एज अगेंस्ट 12 लाख मुकदमे केवल यूपी में हुए निस्तारित, एक बहुत बड़ा कोटा हमने लिया। तो हमने कहा ये मेरे अकेले के कारण से नहीं है, ये मेरे पूरी टीम का सहयोग है, पूरी सरकार का सहयोग है जिसके कारण से आप इस टारगेट को पूरा कर पाए। द टीम ऑफ 75 जजेस हु हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, ये उनका प्रयास था, ये न्यायिक अधिकारियों का प्रयास था जिन्होंने प्रोत्साहित किया लिटिगेंट्स को आगे बढ़ने के लिए कहा और उनके प्रयास से अधिक मुकदमों का निस्तारण हो सका, समझौता हो सका। समझौता होना केवल इस बात से कि हमने बहुत लोगों को केसेस में सेटलमेंट करा दिया, एक वह व्यवस्था मैं उसको पूर्ण नहीं मानता हूं, क्योंकि 12 लाख मुकदमे अगर किसी न्यायालय से निकल जाते हैं, किसी राज्य के न्यायालय से चले जाते हैं, तो न्यायिक अधिकारी जो बचे हुए मुकदमों को है उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। आज सब मानते और मैं इसको मानने में कतई हेजिटेंट नहीं होता हूं कि मुकदमों में निस्तारण में काफी देरी होती है, हालांकि मैं डिबेट करता हूं कि देरी होने का कारण केवल न्याय व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है रेशियो ऑफ द जजेस, इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द लिटिगेशन पेंडिंग। हमारे देश को कई बार कंपेयर किया जाता है और देशों से कि वहाँ न्याय व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, वहाँ बहुत जल्दी मुकदमे तय हो जाते हैं, विदाउट रियलाइजिंग दैट व्हाट स्ट्रेंथ वी हैव और क्या व्यवस्था है हमारी। परंतु मैं ये कह सकता हूँ और आज सवेरे के कार्यक्रम में मैंने कहा जितनी मेहनत हमारे जजेस करते हैं, यहाँ का प्रशासन करता है, उसके कंपैरिजन में अगर हम विदेश के आंकड़े देखें तो कहीं नहीं पहुंच पाए। उत्तर प्रदेश राज्य जैसा बताया करीब 23 से 24 करोड़ लोगों को डेटर करता है। न्यायाधीशों के सम्मान समारोह में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश शासन के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करूंगा कि 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम के माध्यम से 12 लाख से अधिक मामलों का एक साथ निस्तारण करके समयबद्ध और त्वरित न्याय की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया गया है। मेरे सामने जब माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी की ओर से प्रस्ताव आया था, मैंने अपनी पूरी मशीनरी से इसके बारे में चर्चा करते हुए इस बारे में कहा था कि इस अवसर का लाभ आप सबको लेना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य आम जनमानस के प्रति जितनी संवेदनशील दिखनी चाहिए, उन्हें त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रयास न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उतरता हुआ दिखाई दे। और इस अवसर पर प्रत्येक जनपद में इस प्रकार के अभियान चलाए जाए और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे कई ज्यादा मामलों का निस्तारण किया गया, यानी 5 लाख की तुलना में 12 लाख से अधिक मामले एक साथ इस अवसर पर निस्तारित होते हुए दिखाई दिए और 952 करोड़ रुपए से अधिक की जो मामले थे उन सभी का भी समाधान होता हुआ दिखाई दिया।